पिछले दिनों स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी हुआवी इंडिया के सीईओ समेत टॉप के 3 अधिकारियों को आयकर विभाग की ओर से एक समन भेजा गया था। इस समन के खिलाफ हुआवी इंडिया ने अदालत का रुख किया था। हुआवी इंडिया के सीईओ ली जियोंगवेई ने दिल्ली की अदालत में कहा कि मैं एक चीनी हूं, आतंकवादी नहीं। उन्होंने ये बात अपने लुकआउट नोटिस को लेकर कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान कहा। दरअसल हुआवी पर भारत में टैक्स चोरी करने का आरोप है, जिसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी भी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईटी डिपार्टमेंट के हाथ टैक्स चोरी को लेकर कई अहम वित्तीय दस्तावेज और कंपनी के रिकॉर्ड्स मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इसके बाद हुआवी इंडिया के सीईओ लियो जियोंगवेई को लेकर देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। इस लुकआउट नोटिस को रद्द करने के लिए हुआवी इंडिया के सीईओ ली जियोंगवेई के वकील विजय अग्रवाल ने याचिका दायर की है। ली जियोंगवेई के वकील ने लुकआउट नोटिस की शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। विजय अग्रवाल ने कहा है कि सीईओ ली जियोंगवेई के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट सर्कुलर केवल परेशान करने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक हलफनामा दाखिल करते हुए कोर्ट को बताया था कि भारत की चीन के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है। अगर ली जियोंगवेई अपने देश चले जाते हैं तो उन्हें मुकदमे के लिए वापस भारत लाना बहुत मुश्किल होगा। वहीं अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि हुआवी इंडिया के सीईओ ली जियोंगवेई को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर उन्हें चीन की यात्रा की अनुमति दी जाती है तो वो भारत लौट आएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। तब तक ली जियोंगवेई 2 जमानतकर्ताओं को लेकर आए और दोनों ही जमानतकर्ता भारतीय नागरिक होंगे। दरअसल ये मामला हुआवी के भारत से बाहर अपने संबंधित पार्टीज को टेक्निकल सर्विसेज के नाम पर बढ़ा हुआ पेमेंट करने से जुड़ा है। इस मामले में आयकर विभाग ने फरवरी में कंपनी के गुरुग्राम और कर्नाटक के दफ्तरों पर छापा मारा था। साथ ही कंपनी के सीईओ के आवास पर भी छापा मारा गया था। ये कार्रवाई 8 दिन तक चली थी। इस दौरान आयकर विभाग ने कई लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हार्ड ड्राइव, मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए थे। साथ ही कंपनी के बैंक अकाउंट और ट्रेड रिसीवेबल को भी अटैच कर लिया गया था।